हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। काफी समय के बाद गूगल शीट पर एक नई वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आ गया हूँ। नई वीडियो में खास क्या है, आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक स्प्लिट का फॉर्मूला होता है। अब ये करेगा क्या, देखिए, ये एक ही सेल के अंदर ये सारी वैल्यूज इंसर्ट कर दिए, मैंने सारे नेम इंसर्ट कर दिए हैं। और अगर हम ये चाहें कि इनको अलग अलग सेल में लेके आया जाए तो ये कैसे लेके आएंगे, तो आपको एक्सेल के अंदर भी, एक्सेल 365 के अंदर ये आपको फैसिलिटी मिलती है स्प्लिट फॉर्मूले की। बाकी अदर वर्जन में आपको एक्सेल 365 को छोड़ करके अदर वर्जन में नहीं मिलेगी ये फैसिलिटी स्प्लिट वाली, लेकिन गूगल शीट में मिल जाता है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इज इक्वल टू लगाना है और यहाँ पे split स्प्लिट करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है। और इन सबको एक ही बार में सेलेक्ट कर लीजिए, एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। कॉमा लगा दीजिएगा और यहाँ कैर का एक फॉर्मूला लगाइएगा, कैर लगा दिया, सेम वर्क वो भी परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे एंटर करते ही देख सकते हैं ये अलग अलग सेल में अपने आप आ गया है, सारे नाम आपको अलग अलग सेल में आते हुए दिखाई पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। एक बार और आपको ये फॉर्मूला दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या करना है, स्प्लिट लगाना है और जो वैल्यू है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ये एक ही सेल में सारी वैल्यूज है तो A2 नाम के जो सेल एड्रेस है उसमें ये स्टोर है, तो यहाँ A2 आ गया और कैर लगा ली और यहाँ पर 10 लिख देना है, बस इतना ही करना है और एंटर करना है। बाकी रिजल्ट तो आपके सामने है, आप देख ही सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सेल में लेके आना चाहें तो स्प्लिट फॉर्मूले की मदद से लेके आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको गूगल शीट की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। थैंक यू।